बदलत बाटी मानव बदलत बा हमन की चाल चलन लोप होते जात बा संस्कृति अपनात बाटे दूसरे के रहन सहन ये संस्कृति जगेरना के एक अनमोल खजाना कार्यक्रम संस्कृति सरोवर अब बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर देखे कि न भुलाल जी कार्यक्रम संस्कृति सरोवर। नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्ध समुदाय टेलीविजन पर कार्यक्रम लेके अगली हम रात ये कार्यक्रम आप हर एक सोम के और हर एक मंगल के हर एक बुद्ध के ठीक इतने समय से देख सकल जब हम कार्यक्रम में रह के हमन के समाज की विकृति का हो हमन के समाज की विकृति कैसे हटा सके के हमरे असल सभ्य समाज निर्माण के खातिर का कर सके के इतने भरना होगी कि हमरे को भी संघ संस्था में ढीला सृष्टि कैसन बा सेवा ग्रही के विचार हमरे को भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति से वहाँ के विचार आदान प्रदान कर जाते हमन के मुख्य उद्देश्य कल के असल सभ्य समाज के निर्माण करे को ते वैसे हमन के आज के ई कार्यक्रम में हमने देखा जात कि हर एक साल रूपबंदी लगाए थे नेपाल के हर एक जगह में थारू समुदाय में खिचड़ी महोत्सव मनाने ते वैसे ने हमारे आंसू भी 2075 साल के माघी महोत्सव यानी कि खिचड़ी महोत्सव हर एक जगह में सम्पन्न करे जात बाटे ते वैसे हम के रूपबंदी के हक में कहा जा तमाम जगह में दर्जनों से डेढ़ जगह में कार्यक्रम होत बा बकी का सैन्य में नगर पालिका विशेष रूप से कार्यक्रम करे योजना कैले बा पूर्व तारीख कई रहा बा। आज हमारे बातचीत कर दी कि सैन्य में नगर पालिका कौन हिसाब से कार्यक्रम करत बा यहाँ के मुख्य उद्देश्य का होते समिति के अध्यक्ष दुर्बहादुर थार जी सैन्य में नगर पालिका भी 26-27-28 गते बनाए जात बा एकर मुख्य उद्देश्य का होते एकर मुख्य उद्देश्य का बा कि इथारन के माघी खिचड़ी मौसम ते मनो पहले ही से रहे मानत रहा तो घर घर मानत रहा चेली बेटी बुला के आज घड़ी अब हर एक जगह ही मनो फील्ड में गांव पालिका नगर पालिका मनाए लगला काहे से कि अमन के थारू समाज जौन बा अब इकट्ठे मनो का कहला मन ये सबसे चिन्ह पर्ची हुई हर एक चीज का कहला वहाँ अपन समाज के जौन वहाँ बात चली जौन विकृति रही ओका हटाना जौन बढ़िया रही ओका अपन लियन नहा एक मारे हमरे का कहला खिचड़ी महोत्सव एक जगह मनाए के हर जगह में खिचड़ी महोत्सव मनाए के चलन बढ़ते जाता पहले जिला मेरे अब हमरे गांव लेवल में भी खिचड़ी महोत्सव मनाए के कहते हैं सब जगह ही आयोजन कई रहा बाटे बकिन के कितना जगह का होती है तो आरोप लागत है कि पैसा उठाई है और खाई है पी है नचिए बस वो राजत ते ओ किसी हमन के कैसे संस्कृति बची थी नहीं हमन के उमेर नहीं रहा थे हमारे का कहना पैसा जो उठाई जा जहाँ जहाँ लगना हो वहाँ लगाया जात पारदर्शी के हिसाब से इस साल जो हमारे कैल गेला जितना पैसा उठी सबका कहना बैंक बैलेंस कई के जहाँ जहाँ ध्याना रही एकदम हमारे का कहला ये चेक द्वारा सारा काम हुई वैसे हिना मीना कबू नहीं हुई हमन के नहीं हो एक साल मनो हमन के घाटा भी लागल रहे तो हमारे थारू भर फगुआ खेल के का कहला घाटा पूर्ति कैल गई थारू कांगड़ी सभा केंद्रीय पार्षद रामबड़ी चौधरी हरकर सभा सैन्य मिना नगर समिति कार्यक्रम करत बा आप एक केंद्रीय पार्षद और निवर्तमान अध्यक्ष भी पहले और आज के तुलना में कैसन रूप से ये आगे जात बा हमने 1900 महाधिवेशन के संदर्भ में जब पहले दाई जिला कार्य समिति बनल समय में हम सबक प्रवाह गाड़ी सके सभापति तथा जिला सदस्य के रूप में भी रहे तो वह समय में हमने माघी महोत्सव मनाए पड़ल कह के यहाँ सलाह कह के शुरुआत कल गई और लगातार 3 वर्ष मुर्गी हवा में परवा गावी समिति रहे गांव समिति रहे ओकर माध्यम से हमने 3 वर्ष लगातार यहाँ कल गई 2065-2066 साल तक ले तब उस समय में हमने एक तो अपेक्षा जो कल गई कि मैंने इतना तक हमन के सफलता मिली कह के उससे भी ज़्यादा कह के हमन सफलता हासिल होने के बाद में हमन के ज़्यादा एक तो हौसला बढ़ल साथ में 2068 साल में
जिला कार्य समिति के हम बाद में उपसभापति भी भैली। उपसभापति के हैसियत से वहाँ काम करते समय में ढेर जिम्मेवारी हमन के सभापति में देखला और एक तो जिला कार्य समिति के तरफ से अपने जिला कार्य समिति माघी महोत्सव मनाई कहके वहाँ भी निर्णय भेल तो संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजन करे संयोजक के रूप में हमें जिम्मेवारी मिलल। एक नंबर क्षेत्र में कई जगह क्षेत्र वाइज कहके सब जगह के धारण के साथ मन बढ़ाए करी एक जगह कैले से सब जिला भर के थारू नहीं समेटा सकल और क्षेत्र क्षेत्र में अथवा तत्कालीन गायबिश्र में करे पड़े कहके उद्देश्य के साथ हमारे करवानी में जाके एक नंबर क्षेत्र में जाके कैल गए और वहाँ भी हमन के ज़्यादा तीन दिन कार्यक्रम रहे। युवा लोगों के थारू समुदाय के युवा लोग ज़्यादा कुलत में फसल के नाते से हमारे मिशन के कार्यक्रम से शुरू करके ब्लड डोनेशन लगाए विविध खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में उस क्षेत्र में कबोर नाई भर रहे महोत्सव तब वहाँ हमने शुरू करके बाद में दूसर साल फिर हमारे अमन कल गए बाद में प्रदेश के उपसभापति के रूप में आमंत्रण कल गए अधिक से अधिक राष्ट्रीय रूप में परिचित नेतृत्व कल जौन थारू के नेतागण बाटा उनके उपस्थिति रही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हमन के मीडिया भी कवरेज हुई वही नाते हमारे यहाँ मुर्गी हवा में करे करे कहके हमन के ससला से ही हो जाता। नमस्ते, हम संदर्मान चौधरी थारू कल्याणकारी सभा सेनाबाइन नगर कार्य समिति के सचिव। विगत में थारू के जोन पहचान रहे और कला संस्कृति भाषा सब कुछ जौन हमन के सैना महीना थारू कल्याणकारी सभा विगत में करते रहे एक जगरना खातिर 2075 साल के माघी महोत्सव थारून के नया वर्ष उमंग के साथ हमारे मनाया सैना महीना में निधो कल गया निर्णय कल गया संपूर्ण थारू सैना महीना के और रूपनदेही जिला के और हमन के कपिल वस्तु जिला के वैसे नौलप्रासी जिला के ढेर से ढेर दर्शक लोग और ढेर से ढेर थारून के सहभागिता कला कीर्ति अपन संस्कृति वेशभूषा लेके हमन के यहाँ जमघट है और जुटे कहके हमन के आज सभा प्रचार प्रसार भी वैसे हो जात बा। 2075 साल के माघी हमारे फरक ढंग से मनाए चाहल जाता हमारा विशुद्ध थारून के कला संस्कृति भाषा बचा जौन हमन के एक चैलेंज बा ओका हमारे कैरियो से कांस नए एना मॉडल तैयार कर गया एम तमाम उप समिति समिति के निर्माण कहके भव्य रूप से एक विजय के रूप से हमारे मनाए हमारे चाहल जाता जौन हमन के ऊपर तमाम किस्म के थारून के आरोप कि हमारे भाषा संस्कृति संरक्षण नहीं कही पा जाता थारू कल्याणकारी एक नहीं कही पाते कर बहुत ज़्यादा कमी कमजोरी बा ओका चीर फाड़ कहके हमारे एक चैलेंज के रूप में नौलफरासी और हमारे रूपनदेही कपिल वस्तु के जिला के तब कार्यक्रम हमारे बनाए चल जाता एम तमाम थारू आदिवासी जनजाति और गैर थारू जे बाटा और तमाम मीडिया कर्मी हमारे के यहीं स्थानीय FM से लेके बुद्ध टेलीविज़न के अपेक्षा बा कि उस सब हमन के कार्यक्रम में आई हैं और हमन के सगभर सपोर्ट करिए और ये कार्यक्रम जब हमारे सफल कही पाए जे थारू हाँ यहाँ बाटा कुछ कही सकिए करे आगामी दिन में और बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम कह के देखा सकिए कह के हमन के आशा भरोसा बा। आई हम बहुत ज़्यादा हमन के स्टॉल रहे 11 तो हमारे सैना महीना के वार्ड के 36 गांव के स्टॉल और झर्रा झांकी वेश भूषा पहिरन और वैसा ही हमन के तमाम साहित्यिक प्रदर्शन ओकर बाद में तमाम किस्म के हमन के ऐतिहासिक खेलकूद बा उस सब के प्रदर्शन हमारे कार्यक्रम में मैंने कल जाए हम संपूर्ण हमन के थारू भाई लोगन के युवा लोगन के महिला लोगन के और युवा युवती विद्यार्थी सब ओर से हमन के हार्दिक निमंत्रण बा। समिति के कोष सदस्य हरि नारायण चौधरी आर्थिक के कैसे संकलन के जब कार्यक्रम सब बनाए खातिर थारू कल्याणकारी के 11 वार्ड बा
11 वार्ड हमरे समिति गठन कर ली ला प्रत्येक वार्ड से हमरे पैसा संकलन आर्थिक समयोजक टीम बना ली ला वो हम अब जाके 5-6 मिला रह गया जैसे हम हरियाणा चौधरी पुष्पा चौधरी कौशल्या चौधरी हरमेंद्र चौधरी राम बहादुर चौधरी ये हमरे 5 जना टीम 9 वार्ड हमरे हेरल जाता ओकर लिए और बाहर बाहर से दुकानदार व्यापार महोत्सव लोक महोत्सव व्यापारी लोग ये एक संकलन कई जात हुआ विभिन्न किस्म के उपसमिति बनल हुआ सब अपना अपन जिम्मेवारी समझिए अपन देही में इस सहीना महीना उत्कृष्ट हुई सबसे बढ़िया कार्यक्रम सहीना महीने में हुई के हमरे ढेर ढेर आशा कर ली रहा पैसा जैसे अनिवार्य रूप में दही करेगी बातें बनाई जाती है कितना जन के आर्थिक अवस्था नाजुक रहते और जो सदभाव अनुसार के चंदा देह के यानी कि सहयोग करे नियम बना लीजिए बाकी इतना दही करेगी के टू नियम बना लीजिएगा नेम हमरे नाय बनाल गेला मोटा मोटी एक वार्ड से इतना हजार कुर्सी ई वार्ड से इतना हजार उठी कई के मोटा मोटी हमरे खर्चक डाटा हमरे 3.5 लाख रुपया योजना बनाल गेल बा उसी पर अब कितना पैसा संकलन हुई अब कितना नाय हुई ध्यान पर पता मिली वही अनुसार से हमरे खर्चा छोटकरी हिसाब से हमरे कई जी अब बड़ी रकम उठी तो बड़ी हिसाब से करे कुछ छोट रकम उठी तो छोटे हिसाब से खर्चा हमरे करे योजना बनाया गया कोनो किस्म के करके दायरा में इतना वार्ड इतना 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 पैसा उठाओ जबरदस्ती उठा करके नहीं कहा गया अपन इच्छा अनुसार खुशी के अनुसार ये हमरे कार्यक्रम में निर्णय कर लिया हाँ ठीक इतना जो भी अब यहाँ भी फाजुल पैसा खर्च कराने कही के अगर बाद में जिससे अगर पैसा की हिन मीना हो सके कितना जो कि आरोप लागत एमा बहुत चलाक रह गया हमरे ये बहुत ध्यानपूर्वक हमरे कार्यक्रम संचालन करे हूँ बाहर से कोनो किस्म का आरोप न हो कहीं हमरे एक संगठन संगठन रूप में हमरे एक टीम बनाल गया बा हमरे थाका सब परिवार हमन के बा आर्थिक पाटो बा और तमाम किस्म के झांकी प्रदर्शन के पाटो बा और ब्लड संगठन के पाटो बा एमा विभिन्न किस्म के उपसमिति गठन कल गया जिम्मा फलानक हो ई जिम्मा फलानक हो एमा कोनो किसी के आरोप आज नहीं आया ना किसी के हमारे कार्यक्रम एकदम छोट मीठ बना लिए बा रोहिणी चौधरी थारू के लगाई सभा सैन्य में नगर समिति के सक्रिय सदस्य हमारे कार्यक्रम भव्य रूप से सफल कर ली और ये कार्यक्रम हमने के थारू के पहचान में हो यह माँ आपके कोनो तुझे नहीं सेना मेना परवा स्कूल में माभी में एक मंच बनी वही सबई है अपन थालू की पहचान लहंगा और लगा के और टोल टोल में स्टल रहे 14 टोल के एक एक स्टल थालू परिवार घूमी कछुआ मछली ये भी परिकार थारू परिकार खाना रही हाँ ते वैसे जिसे इस शर्ट की व्यवस्था के लिए बा और कहाँ से जोन के अब बैठक की उठा जी की नहीं वहाँ से बैठ बैठ नहीं लेंगे मिली कहाँ से 14 टोल से हमने के जो संग्रहण बहुत बात उसे हमने के नहीं लेंगे मिली हाँ ते वैसे हमने के आप कहाँ लिए थार स्टॉल थारू परिकार के स्टॉल रही उकर बाहे के घर थारू परिकार के जो स्टॉल हो सके कि नहीं हुई तो वहां से हमने कुछ जैसे वहाँ सब सफाई कार्यक्रम स्कूल के सब सफाई के लिए हमने बहरी से कुछ सही कुछ कुछ सहयोग हमने मांग दी पहले रोज तो हमने क्या ब्लड डोनेशन समझ गया वहाँ आपके जो कार्यक्रम घूमी खैनहा चुगली रेस और रस्सी तान तान ये कुल हमने एक दिन उड़वाई दी ब्लड डोनेशन दिन दूसरा दिन हमने क्या जो नृत्य कार्यक्रम बा हमने के थारू के ऊ चलाई जी लास्ट 28 गते आपके समापन मुर्गियों में 3 दिन के हमन के खिचड़ी महोत्सव संपन्न कर जतबा ते हमन के जो न ई कार्यक्रम कइले से हमन के का कैसन आगे के दिन में कैसन फायदा होई फायदा कल के मतलब कि हमन के समाज के विकृति हटाने और कितना मदद पुग सकी कह के लागत आपके विचार में यानी कि आप अपन संस्कृति बचा के लगे अपन वेशभूषा अपन जो थारू गहना वतन हमन के हे बेलम देखा ना हो हमन के पोशाक पानी हे बेलम देखा ना हो जो कि थारू के पोशाक या गहना जो हमन के सीख
बाढ़िया जौन हमके झाँकी कहल जाली हमरे झाँकी लेके हमरे प्रत्येक ठाँव झाँकी लेके बोलावत है हमरे अपन झाँकी अपन अथी शिव भी देखा सकल जी हमरे इस माध्यम से कि हमन शिव रहत हमन फसागी रहत टेलीविजन में प्रसार हो अपना बाहर मने कहीं देखी कहीं कि वहाँ मने बहुत मजा कई लेटा आते हुए आप कहल गई कि हमन की एक पोशाक है हमन के जब लहंगा बा हाँ जिसे लहंगा कर हाँ, लेगा की कर पोशाक होते हैं लहंगा कहल के हम के थारन के पोशाक हो तो उसे हाँ अति उसे हमारे हर एक जिले में जाए जाते हैं वो कहल कि यार के हाई हमारे के थारू के पोशाक हो ओकर हम थारू यहाँ के भी थारू तो आप कौन पहिरन के थारू के पोशाक हो कह के दावी कर सकल जी हम दावी चाहे लहंगा कर सकब कि काहे से हमन के पहले जब हमन के बूढ़ा बूढ़ा रहा बूढ़ा बूढ़ी तो हमरे देखल गेली अखन के हमरे लहंगे देखल गेली हमरे अब दूसरा पोशाक नहीं देखल गेली अपन यहाँ हमरे लहंगे देखल गेली हमन के हमार दावी कहल के हम थारन के पोशाक कहल के लहंगे हो आते लहंगा भी हमन के तमाने मेर के डिजाइन बा जिससे हमन के रूपंदेही के हक में कहल जी और कपिल वस्तु में जाल जी ते रूपंदेही कपिल वस्तु के लवर लव मिलत हमन के एक दूसरे के कॉपी कैले रहने बकिन का मन के थोड़े से दाम और जाल जी ते हल्का फरक बा बकिन का मन के अब रूपंदेही काट के नॉन प्रासी जब काटल जाई पूर्व जाल जी ते कहन के हमन के ऐसा लगन हो के पढ़नी मेर के ठू अमन के पोशाक होके के दावी करने में खास के कौन के उज्जर रहत ते ओखान के कहानी के ई पोशाक अमन के थारू के और अमन के रूपंदेही में कहानी हाँ जैसे कि अब हमन के लगभग हरी क्या हरी पक्षी उगते हमन के एकदम मिला थे अब भाषा पर ही हमन के पक्ष के भाषा हमन के हरी मिला था हमारे पूरी के भाषा उतना नहीं बुझ पा जाली या उतना ओकरे हमन भाषा नहीं बुझ पा रहा अब पोशाक में पनी हमन के हर के पोशाक और हर के पोशाक फरक बा ओकरे उज्जर अथवा धोती का अथवा जब हमारे शर्ट सी आ जाली स्कूलिया शर्ट उस शर्ट के ओकरे लुग्गा बनाई ले रहा वहाँ आ करिया अथी के ब्लाउज बनाई ले रहा वहाँ अपन के पोशाक छुट्टे रहत हमन के हरी पोशाक छुट्टे आते हो कि हमारे लहंगा कह सके कि नहीं हमरे अखन के लहंगा कहे के नहीं सके मान लो कि थारू हो अनि हम सैना महीना दस मान लो हमार दस वर्ष बा कैसे कैसे ने की छोर रखल गेल बा डिकरी ढोली मछरी और पिलाव चीज कहे नहीं रखा जात बाकी और चीज का अब कहे नहीं रखली अब अपन हमन खास थारू के खाना तरीका रह और जो कहानी की जिसे थारू में जो एक गुइया के बनाने प्रदर्शनी वो भी थारू परिकार भी भीतर में परत गई है अत ये अच्छा थारू परिकार हो कि नहीं हो जहाँ थारू महोत्सव रहते वहाँ आंधी के भोजन भी प्रयोग करेंगे आंधी भी थारू परिकार में थारू खाने में परत कि नहीं माना पुष्पा चौधरी सही ना महीना तीन घर मुड़िया हो गाँव गाँव से आर्थिक सहयोग मांगल गया गाँव का चंदा अपन जथा साथ हमारे मने मेला कुछ संपन्न कर जाता अब गाँव गाँव से महिला कैसे लियाने कोशिश कर गिल बा कैसे लियाने मने कर गिल अब हमन के देखल जाए हमन के थारो हमन के संस्कृति हेरा जात रहे हमन के एक संस्कृति जगह मारे हमारे गाँव गाँव हमारे सर सलाह कल गया कि हमारे कैसे अपन थारू के अपन संस्कृति जोगाएल जी भेकनाथ करे से हमारे गाँव गाँव सब दीदी बहन लोग जुट के मिल के अपन सर सलाह से हमारे कैसे के संस्कृति जोगा कह के हमारे वह फूल के नाथ करे से सहयोग कह के हमारे मेरा लगा मैंने तैयार कर जाता कि हमारे संस्कृति कैसे हमारे जोगा कह के यह ठाने भरना है जो मैंने हमारे सब जितना हमारे बाटा हमन नेपाल अधिराज्य भरे हमारे संस्कृति हम अलोक हो जाता हमारे कैसे अपन संस्कृति जोगा हमन के थारू के एकदम पिछल महिला वर्ग हो हमारे हर एक चीज में पिछल हो जाता हमारे कैसे के अपन घर काज एक दो दिन अपन काम करके छोड़ के हमारे कैसे अपन संस्कृति जोगा कह के हमन की है आते वैसे हमन के अब हरी जगह में जो कार्यक्रम होता बा थारू कर्णकारी सभा सैन्य महीना नगर समिति बा अब हर एक जगह में ते ई कार्यक्रम में इतना मनी जुटा कई के प्रतिस्पर्धा बा बकिन का जो एक तो महिला होने के नाता से और जो कहीं से कम न रहे हमन के यहाँ महिला सहभागिता कई के सोच रखने के बदले हाँ हमारे बहुत से बड़ी सोचल गए कि हमारे और हमारे जिला से कहे हमारे कमी हो हमें ओके से हमारे बढ़ के हमन के भव्य तरीका से हम अपन थारू कार्यक्रम आगे बढ़े कार्यक्रम चला के हमारे सोचना छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस के निकाल ली डेढ़ से डेढ़ कार्यक्रम बा अब
हो ना सके कि यहाँ के महिला लोगन प्रचार सुन के वहाँ चल जावा? नहीं वैसा ना हो, हमन के सबके जिम्मेवारी करल बा सब चीज में। अब जौन जौन चीज हमन के कार्यक्रम में पहले दिन दूसरा दिन तीसरा दिन सबके जिम्मे लगाइल बा। वो हमन हरी हरी भाई कह के कौन अथी ना बा, सबके जिम्मेवारी बा, सबके हमन के विश्वास लगी करी कह के एकदम हिम्मत रखल गेला। थारू ग्रंगारी सभा जिला उपाध्यक्ष बुद्धिराम चौधरी और जोगी के हक में सैनमीना नगर पालिका के कार्यक्रम असो कैसन रूप से हुई जिसन आपके लागत? धन्यवाद के। सबसे पहले तो हम का कह चाहते हैं कि अब जो हमारे थारू के महान पर्व खिचड़ी महोत्सव तथा नया वर्ष के रूप में जो हमन के थारू पूर्व मेची से पश्चिम महाकाली तक ले हरेक जिला में नया वर्ष के रूप में मना बाढ़ भरखरे संघरिया सब कहला कि हमरे जिला में टॉप अथवा नेपाल में टॉप के हिसाब से मनायल जाए। हमरे के विभिन्न संस्कृति झलकनहा, वेशभूषा झलकनहा, खान पान झलकनहा किसी चार मनायल जाए। विकृति जो हमन के थारून में अथवा हमन समाज में जो विकृति वही विकृति हटा के एक शुद्ध स्वच्छ समाज निर्माण कैल जाए। हमन के जो लोप होना जो हमन के वेशभूषा बाय खान पान बाकी हमने जागरना कैल जी कहीं के हमन के यहाँ सेना में नगर के तमाम पदाधिकारी लोगन एक बारे में जानकारी दिलान। तो एक लिए हम रूपंदेही जिला में लागत हम सबसे ज़्यादा समय भी सेना में नगर पालिका तीन दिन के कार्यक्रम रखले बाटे। एक लिए धन्यवाद बा। सबसे ज़्यादा खर्चा भी मेंटेनेंस ये समिति करत बा लेखा हमें लागत आ जिला के सब अवलोकन कैले हिसाब से सबसे भव्यता रूप में यही लेखा लागत आ। उस दिन हमारे जैसे कि माघी मनाए जी अब तीन दिन में हमारे अपन थाल पहिरन पहिर के आए जी, चाहे जेंट्स रहा चाहे महिला रहा अपन अपन ड्रेस लगा के आए जी, अपन अपन गहना गुड़िया दिखाए जी आ जब विकृति बाओ के हटा के अपन संस्कृति जो गहना खाल के हमारे काम कर जी। हमारा नाम है राम चौधरी, हम सैन्य नगर पालिका नंबर 7 हमारे घर पर करते हो सैन्य मना थार कल्याण गणेश सभा स्वास्थ्य सबके सहयोग से हमारे कार्यक्रम संचालन कर जाबा। अब ये सैनमी नगर पालिका पहले साथी लोग कहे गए ना कि अगर रूपंदेही जिला में टॉप हो जाए 14 पालिका बा 14 पालिका में हमें सबसे भव्य तरीके से मनाई जी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहाँ और मन कराइल जी पहुना भी बोलाइल जी उतना भी ना हो के केंद्र में भी कंपटीशन लेके हमारे सैना महीना के सबसे आगे थार के माघी महोत्सव मनाएल जी। हमारा नाम राजकुमार चौधरी, थार युवा सभा के केंद्रीय सदस्य, हाल सैना महीना 7 गोरावल। विगत साल से हमन के सैना महीना नगर पालिका जो एक थारू ग्रहणकारी सभा गठन होल बा, थारू ग्रहणकारी सभा हरेक वर्ष थारू के हक हित के संस्कृति कला के जगाने के लिए हर एक वर्ष 9 साल के रूप से ये खिचड़ी महोत्सव मनाओ आवत बटा। और वो खिचड़ी महोत्सव में हमरे विभिन्न एक से 11 नंबर वड़ा तक के रहा सैना महीना नगर पालिका और वो वड़ा में सब टोल और वड़ा सबके समेट के महिला दीदी बहनी सब जन के समेट के एक ठू हमरे मेला खिचड़ी महोत्सव मनावत बाटी जो कि हमन के नए साल के आगमन होने वाला बा। वो नए साल एकदम बढ़िया से हो हमरे कैसे कि थारू कारी ये मेला करत बाटी कि हमन के पूछता लोग बूझा कि थारू के रीति का हो, संस्कृति का हो, वेशभूषा का हो, हमन के पहिरन का हो, ये चीज़ के हमें प्रदर्शन करत बाटी। महोत्सव बनाई हो के भी हमन की थारू एक ठू आंदोलन के रूप में भी महोत्सव हो जो कि अनहा नया वर्ष में हमारे एकदम बढ़िया से बीते रह के हमारे आंदोलन के रूप में मनावत बाटी। अब हमारे ये मेला विशेषता का कि 26 गते रक्तदान कार्यक्रम और खेलकूद कार्यक्रम से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम
27 गते वडा स्त्री नृत्य प्रतियोगिता 28 गते महोत्सव के समापन कार्यक्रम विविध बाजा गाजा साथ झांकी रैली झुमड़ा नाच झर्रा नाच लाठी नाच से लेके अपन संस्कृति देखा के हमन के समापन कहना हो। नमस्कार हमार नाम के और वर्षा थाका सैना मैंने चार के सभापति हमन के जौन संस्कृति संबंधी जौन हमन के गीत संगीत बा हमन के रहन सहन बा खान पियन बा हमारे एकरे प्रोत्साहन दे खास है कि हमन के समिति केहन रहल बा जौन हमन के और जगह जाए कार्यक्रम में तो हमन के जौन बाटा जैसे कि भोजपुरी गीत में हमन के दक्षिण के गीत भोजपुरी और रिमिक्स गीत तनिक अश्लील गीत कहे पड़ा ओखन के वैसे सन गीत में जब नाचा ना तो हम सांस्कृतिक संयोजक भैले नाते उकुल में हमारे एकदम प्रतिबंध लगा थे गिल टीम हमारे एकदम अपन स्थानीय गीत जो हमारे थारू वेशभूषा गीत बा हमारे थारू गीत गाई जाली गाइले बाटा तमान बा गीत संगीत एकरिक हमारे ज़्यादा महत्व देत हमारे स्थानीय कलाकार के प्रोत्साहन करे हमारे मेन भूमिका बा हिंदी गीत भोजपुरी गीत में जो छोट छोट कपड़ा पहन के नाचा अपने से लाज लागत हेर दर्शक लोगन के हमन सबके हमन बहन बिटिया रहना हमन के बहन बिटिया संगे हेरे के लाज लागत वैसन गीत वैसन कपड़ा भी लगा के हमन के देह अनुमति नहीं बा कहे से हमन के यहाँ अपन वेशभूषा अपन रहन सहन अपन थारू भाषा रहन सहन में हमन के भव्य सभ्य रूप से ओखन से भी चैलेंज दे के हमन के कार्यक्रम सब सफल पार के भव्य बना के हम जानकारी करा चाहत बाटी माघी महोत्सव 2075 हरेक जगह में जौन सम्पन्न हो जात बा और इतना करी हमें बातचीत कर गई थारू कर्णकारी सभा सैन्य मेना नगर समिति के कार्य समिति से कि कार्यक्रम काहे हो जात बा कैसे हो जात बा एकर विस्थापन कैसन बा ते ऐसे कार्यक्रम में रहते हमारे आस्थे विद्यालय समय हो गए बा ते आप कार्यक्रम में संगी साथ रहने खुशी लगा देखते रहते आप बोलते सामुदायिक टेलीविजन ये कहते हम संतोलक राज्य आपसे विदा होती नमस्कार। बदलत बाटी मानव बदलत बा हमन की चाल चलन लोप होते जात बा संस्कृति अपनात बाटी दूसरे के रहन सहन ये संस्कृति जगेरना के एक अनमोल खजाना कार्यक्रम संस्कृति सरोवर अब बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर देखे कि न भुलाल जी कार्यक्रम संस्कृति सरोवर।